छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नशा, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद। पता नहीं भाई आज चांद होगा कि नहीं। अरे भाई फिक्र क्यों कर रही है बेगम, हैं? होगा चांद तो ऐलान हो जाएगा। मगर ये ऐलान बहुत देर से हुआ तो हम लोग कल सहरी बनाने से बच जाएंगे। क्यों सर जी? अबे हाँ यार बात तो सही कह रहा है यार। मम्मा ये बार बार आप किसको फोन कर रही है? अरे तारा बाबा को। ये तारा बाबा से क्या काम है भाई आपको? भाई वो बता देंगे ना कि आज चांद होगा या नहीं। वो बताएंगे मम्मी जी, उनको तो अपने अगले घंटे के बारे में कुछ नहीं मालूम होता, वो क्या बताएंगे। लड्डू फजूल बातें मत करो, जाओ दोनों जाओ और चांद का पता करके आओ फौरन। देखो भाई मैं तो जा नहीं सकता, मैंने आपकी अम्मा के लिए वो अदरक वाली चाय बनानी है ना। अरे सुसर जी आप क्यों फिक्र करते हैं, अदरक वाली चाय मैं बना दूंगा, आप जाए चांद पता करके। अब लड्डू तुम चाय बनाने जा रहे हो ना, जाओ ना मेरे लिए बना देना, जा जाओ ना। हाँ लड्डू मेरे लिए भी एक कप बना दो। और 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 अगर मेरे लिए बन जाए ना तो मजा आ जाए यार। उसमें अदरक लहसुन भी डाल दूँ। गुलाम जी आप फौरन जाइए और जाकर पहले चांद देख कर आइए, फिर चाय मिलेगी आपको, जाइए। हाँ 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 गुलाम ने तो जैसे गरम गरम चाय फेंक दी किसी पे ना। अबे यार रुक जा भाई, उठा रहो यार, ठीक तो हर एक को जल्दी होती है। हेलो ओ भाई चांद का बताओ हुआ के नहीं हुआ, पैसे पकड़ना है यार। हाँ ओ भाई बात सुनो, तारा बाबा आप यहाँ खड़े हैं, वो तानी बेगम आपको फोन मिला रही है, आपका फोन नहीं मिल रहा है। तो चांद पे मिलेगा भी कैसे, चांद पे मोबाइल के सिग्नल थोड़ी आते हैं। आप चांद पे से आ रहे हैं? चांद से तो नहीं आ रहा, आ तो मिरिक से रहा हूँ, चांद से ऐसी टहलता हुआ आ गया हूँ मैं। क्या चांद हो गया? लाखों करोड़ों साल पहले ही हो गया था। मेरा मतलब यह है कि वो सब परेशान है, वो किसी को भी नहीं पता कि आज चांद होगा कि नहीं होगा। अरे मैसेज आया चांद हो गया, बस आधे घंटे बाद खबर आने वाली है। क्या उसी ने मैसेज भेजा? मैसेज तो बेगम का था, कह रही रास्ते में से दो रोटियां पकड़ लेना। आप भी अपनी बेगम का हुक्म बजा लाते हैं जी, आखिर इंसान है, इंसानों की तरह तो रहना पड़ता है, और मेरे ख्याल से बेगम का हुक्म मानना बेहतर बात है। हाँ जाहिर है जाहिर है भाई, देखो वही शौहर कामयाब है जो अपनी बीवियों का हुक्म मानते हैं। और ये भाई वो मैं क्या के बताऊं तो सही कि चांद हो गया है। हाँ सुने सुने तानी बेगम से कहिएगा बस मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ ईदी लेने। ईदी? हाँ 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 ओके अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। निकट को तो काम बोलना ही नहीं चाहिए, पता नहीं कहाँ गए। मालूम करके आ गया मैं बेगम, चांद होने वाला है। बड़ी जल्दी खबर लेकर आए। बस अम्मी जान आपका हुक्म था ना इसीलिए। अरे चांद हो गया है पूरा आधा घंटा पहले। कहाँ से आधे घंटे से? वो मैं तारा बाबा के पास था, चांद से आने में देर लग गई ना। अच्छा अच्छा ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं है, कान खोलकर सुन लो मैं क्या कह रही हूँ। बोले बोले अम्मी बोले। बल्कि ऐसा कीजिए कि लड्डू को भी यहीं पर बुलवा ले। अच्छा लड्डू 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 को बुलाया। लड्डू आया जी। किसने बुलाया? बड़ा घूम के आया लड्डू। हाँ वो अम्मी जान ने बुलाया सबको, शायद आखिरी वसीयत करने वाली है। गुलाम आप होश में तो है? सब कान खोल कर सुन लो, इस दफा ईद पर नए नोटों का इंतजाम करो, वो भी कड़क। कड़क कड़क ये अम्मी। लेकिन नानी जान वो कहाँ से मिलेंगे, अभी तो बैंक बंद हो गए होंगे, अभी नोट नहीं मिल सकते। बस बस बहाने बनाने की कोई जरूरत नहीं है, जो मेरी अम्मी जान कह रही है फौरन करो, वरना वरना क्या मम्मी जी? वरना हमें ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाएगा। खैर 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 दूसरा कोई हुक्म? हाँ और किसी खानदानी दर्जी को पकड़ो जो आज के आज यहाँ के कपड़े जी। दर्जी? वो भी खानदानी? अरे इस वक्त तो दर्जी के घर वाले किसी से नहीं मिलते, दर्जी कहाँ से मिलेगा, वो भी खानदानी। अब तो देखिए ना इतने बड़े बड़े मॉल आ गए, आपने वहां से कपड़े खरीद लिए ना, तो ये दर्जी की क्या जरूरत है? ये हमारी खानदान की रिवायत है, खानदानी दर्जी से जोड़ा सिलवाए बगैर ईद मुकम्मल नहीं होती, वो भी यहाँ आकर सिएगा हमारी निगाहों के सामने, समझे? कहते ये गलती भुगत है। वो कौन सी गलती? बस घर दामाद खानदानी। बिल्कुल ठीक कह रही मेरी अम्मी जान। और हाँ हमें नहीं पता भाई कहाँ से दर्जी मिलेगा कहाँ से नहीं मिलेगा, बस आज के आज पैदा करो उसे, जाइए और जाकर फौरन लेकर आइए दर्जी। जो हुकुमत कहे आलिया। क्या मुसीबत है ससुर जी, हर वक्त इनके काम करते रहो, कभी कड़क नोट लाके दो कभी दर्जी लाके दो,
कहाँ से आएगा दर्जी, कहाँ से आएगा कड़कनाथ? ससुर जी कुछ करे मैंने हमेशा की तरह हमारी ये ईद भी खराब हो जाएगी। अबे भैया मैं कुछ नहीं कर सकता, जो कुछ करना है तुम करो। मैं मुझे तो तारे नजर आ रहे हैं यार। ससुर जी तारे नहीं, चांद ढूंढने चांद कहाँ है? अरे ससुर जी मुझे दर्जी लग रहा है। नीना 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 मेरे, मुझे नहीं लूटना, मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ, मेरे पास इसमें ना सिर्फ अखबार के कागज हैं पकौड़ों के लिए। अरे हम तुझे लूटने वाले नजर आते, हम तुझे नहीं लूटेंगे। हाँ तो फिर किस लिए आए हो? लूटने नहीं आए हम तुम्हें यार। तो फिर क्या करने आए हो? बताओ तुम हो कौन? मैं कौन हूँ? मैं अच्छा मैं कौन हूँ? हाँ। मैं पूछ के आता हूँ। नहीं 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 यही बता। मैं कौन हूँ? मैं हाँ मैं दर्जी हूँ, मैं दर्जी हूँ, मैं दर्जी हूँ। किसी की तो तलाश थी हमें। मैं कोई लाश हूँ जिसकी तलाश थी? एक मिनट, थोड़ा पीछे हो। पूछो क्यों? क्योंकि मैंने भागना है। ससुर जी खानदानी और शाही किस्म का दर्जी लग रहा था मुझे ये। अपना बहुत ख्याल रखना जी अम्मी। और हाँ मेरे बताए सारे काम मुकम्मल हो गए ना? जी जी अम्मी जी, आप ही के मिशन पे हैं। खानदानी दर्जी और नोट दोनों काम। हाँ नानू जाना फिक्र ही ना करें, सारे काम हो जाएंगे। अगर कोई भी काम ना हो ना तो मुझे फौरन फोन करना, मैं कराची आकर इन दोनों निखट्टों को ठीक कर। अरे अम्मी जान आप बिल्कुल फिक्र ना करें, इनको तो मैं खुद देख लूंगी। नानो आप इतनी जल्दी क्यों जा रही हैं? आराम से हमारे साथ ईद करके जाती ना। ईद करके ही तो जा रही हूँ, अब ईद में देरी कितनी रह गई है। वहाँ तुम्हारे मामू शाहरुख इस्लामाबाद में अकेले है ना। अम्मी जान आप नहीं जाती ना, रुक जाती हैं आप, बहुत याद आएंगी। बस करिए ससुर जी, ओवर एक्टिंग हो रही है। मुझे मालूम है कौन मुझे कितना याद करता है, कौन ड्रामे करता है। चले ना नानू जान, आपको छोड़ के आता हूँ। चले 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 नानू जान, चले आज। अरे वाह, फौरन उठिए चलिए और जाकर दर्जी लेकर आइए। और हाँ जब तक दर्जी मिल ना जाए ना, घर वापस मत आइएगा, जाइए। अच्छा जी, अच्छा भाई चोरी देखो फौरन बैठने के चक्कर में। हेलो यार, हाँ आप ही पकड़ लिया, बस दर्दी लेकर आ रहा हूँ। और मैं दर्दी नहीं हूँ, मैं तो मोटर मैकेनिक हूँ यार। ठीक नहीं होती वो, दिन के वक्त अगवा करो, शाम को छोड़ दो, पैसे भी ज्यादा मिलते हैं। रात को अगवा करोगे तो मुझे बड़ा डर लगेगा। ससुर जी कुछ समझ आया? हाँ हाँ, क्या समझ आया? ये लड़के जो है ना लड़के, हाँ इन्होंने इसको अगवा किया है, मेरा ख्याल है मैं पुलिस को बताना चाहिए। अरे क्या कर रहे हैं आप, अगर पुलिस को बुलाया तो पुलिस उनको भी ले जाएगी साथ में। हाँ हाँ यही बात है, फिर क्या करें? किसी भी तरीके से हमें इनको लड़कों से छुड़वाना पड़ेगा, वरना रात हमें बाहर गुजारनी पड़ जाएगी। ठीक है आजा चले। हाँ चल लगाऊंगा तू सारी जिंदगी। अरे चमन भाई, अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चमन भाई अरे कौन चमन भाई? अरे ये हमारे प्यारे चमन भाई, इनको भूलने की बीमारी है, रास्ता भूल गए थे अपना। मैं चमन का अंगूर हूँ ना, मुझे इसलिए चमन पहन पहन करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इनको रास्ता भूलने से बचा लिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ठीक है चमनी, मैंने एक बात करनी है, मैं कर दूँ? कर दो। पता आपकी मेहरबानी है। तू ना अपने इधर सर के ऊपर ना बड़ा बल्ब लगवा, तेरा बड़ा बापडा के खिलाफ मुंह है, इतना बड़ा बल्ब लगाया नजर आएगा। चले 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 तुम लोग अपने कपड़े सिलवाने ना, मुझे एडवांस बुकिंग करा देना, मैं सुबह नमाज से पहले तुम लोग के कपड़े तुम लोगों को तैयार मिल जाएंगे। समझ आ गई तुम लोगों को बात? ठीक है चलो। कैसे?
अबे ये मेरा काम है, तेरा मसला तो नहीं है ना? क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? ससुर जी मैं तो फलाही बेबूत के काम कर रहा हूँ ना, इससे तो सवाब भी मिलेगा ना? क्यों भाई, मिलेगा ना? बड़े फला के काम करता है, गली के ना गटर के ढक्कन भी झुकता है। तुम लोगों को पता बता दूंगा, तुम लोग अपने कपड़े कैसे भिजवा देना, एडवांस बुकिंग दूंगा मैं, बता रहा हूँ। ठीक है ठीक है, आप बता दूंगा तुम लोगों को। चल टांगे नीचे करके बैठो। अच्छा अब मुझे जल्दी से बता दो क्या सामान लाना है, जल्दी करो। चलो शाम, किस किस्म का सवाल पूछ रहा है इससे यार? अरे ससुर जी से काम करवाने तो सामान तो चाहिए होगा, वही पूछ रहा हूँ। अच्छा फिर एक काम करो, मुझे ना एक कप चाय पिला दो। वान आपके बच्चे, आपको मैं चाय पिला दूँ? काम तो शुरू करो ना। करो यार, समोसे भी खिलाएंगे, चाय भी पिलाएंगे, जलेबी भी खिलाएंगे। काम कैसा काम? दर्जी का कपड़े सीना है, वो शुरू करो यार। वो मैं दर्जी हूँ? ये तुम पूछ रहे हो, बता रहे हो? बता रहा है। नहीं नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, मुझे बताओ मैं दर्जी हूँ। तो क्या तुम्हें नहीं पता तुम दर्जी हो? यार पता क्या, मैं ना घर से निकला था बड़े जरूरी काम, तो मैं काम भूल गया हूँ। असल में ना मुझे भूलने की बीमारी है। देखो तुम दर्जी हो, आज चांद रात है, तुम्हें कपड़े सीने हैं, कल ईद मनानी है। वो पता क्या, असल में मैं घर से निकला था बड़े जरूरी काम, वो मैं काम भूल गया हूँ, मुझे याद नहीं। अब तू मुझे काम याद दिला, मेरा काम क्या था? हाँ, मैं तुम्हें काम दे रहा हूँ ना, एक जोड़े के 2000 रुपए। 2000 रुपए? बहुत अच्छे। बस बस बस, डील पक्की। तुम लग कर रात भर काम करो, सिलाई करो, सुबह सही मानो में ईद मनाएंगे फिर। दर्जी कहाँ है? दर्जी मुझे भी दर्जी देखना है। तुम तो ऐसे करिए देखना, इसे दर्जी नहीं बंदर है, है? ओ, नहीं नहीं नहीं, बंदर तो पहले ही कार में पड़े हैं। अरे एक बड़ा बंदर है, हम बाहर से लेकर भी तो आए। वो अच्छी नस्ल का है, बाकी तो सारे गंदी नस्ल के हैं। अच्छा तो मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है, मैं जा रहा हूँ। नहीं नहीं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, कहीं ना जाओ, तुम्हारा कोई मजाक नहीं उड़ा रहा। बस तुम जल्दी से ना मेरा और मेरी बेटी का ईद का जोड़ा सी दो, ये अम्मी जान का हुक्म है। अम्मी जान, मेरी अम्मी को मरे में तो बहुत चर्चा होगी। अरे नहीं भाई, अम्मी जान मतलब मेरी मामा की अम्मी, मतलब मेरी नानो। अरे भाई क्या है, मेरी नानो का हुक्म है ना, करो बस। अम्मी का हुक्म ना हो गया, मलका बरतानिया का हुक्म हो गया, जो कहेंगी मान जाएंगे। अब ऐसे भी आपकी ना बेटी के कपड़े तो सिए जा सकते हैं, आप किसी टेंट वाले से टेंट ले ले। मलका बरतानिया नहीं, मलका तानी हाउस है वो, और तुम हमारे कपड़े सिए बगैर यहाँ से नहीं जा सकते। गुलाम लड्डू, ये कैसा दर्जी ले आए हो तुम, इतने नखरे दिखा रहे। मम्मी जी हम सब संभाल लेंगे, आप लोग जाए। हम सब देख लेंगे, यहाँ जाए, आराम आराम से जाए, खड्डे पड़ रहे हैं। हम और आर्डर पकड़ लें सिलाई के, सिलाई करो, खूब कमाओ, सुबह ईद मनाओ। मुझे जल्दी से सामान बता दो, क्या सामान लाना है? अच्छा सामान बताओ। चलो ठीक है, तुम ऐसा करो 15 समोसे और 2 पिज्जे और 4 किलो चाट और दही भले भी लेके। अबे कपड़े सीने का सामान कर लाने। अबे समोसे सीएगा, खटखट 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 खटखट। ठीक है जल्दी से आ जाओ, सही है मैं वेट कर रही हूँ। खुदा हाफिज, मुबारक को चांद। मामा मामा चांद रात मुबारक हो। हाँ। तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन मामा आपको लगता है कि दर्जी सुबह तक सारे काम कर देगा हमारे? भाई वो बहुत एक्सपर्ट होते हैं, उनके लिए तो कोई मसला ही नहीं है। चलो शुक्र दर्जी का मसला तो हल हुआ, मगर मामा मेरी मेहंदी का क्या होगा? पता है जो मेरी सहेलियाँ आ रही है ना, वो मेहंदी का काम भी जानती है। पक्का ना? तो मैं लड्डू को बता दूंगा कि मेहंदी के लिए बाहर ऐलान कर दे। हाँ हाँ बिल्कुल कर दो। लड्डू लड्डू। जी हनी, आपने मुझे बुलाया? अरे भाई जाओ जाके मोहल्ले में सबको बता दो कि हमारे घर में मेहंदी लगवाने के इंतजाम है, जाओ। अच्छा बाकी? हाँ सच्ची है? मगर तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो? मम्मी जी आज चांद रात है, कल सुबह ईद है, आज चांद रात है, कल सुबह ईद है। बिल्कुल कितना अच्छा होगा ना, मेहंदी भी लग जाएगी, कपड़े भी सिल जाएंगे। ठीक है।
भाई मेहंदी लगवानी है तो 5,000 रुपए लगेंगे और शाही दर्जी से कपड़े सिलवाने तो 3,000 रुपए। एडवांस बुकिंग जा रही। पैसे दो चलो लो। पैसे दो चलो। अरे हटो बड़े भैया। अरे ये 1,000 रुपए का लोड किसका है? 1,000 का। हाँ अरे भाई हमने तो सुना था लेकिन ये मेहंदी चक्कर नहीं है भाई, क्या लड़कियों को औरतों को मेहंदी नहीं लगवानी? तुम लगवाओगे तो बोलो। अरे इस उम्र में मैंने क्या मेहंदी लगवानी भाई, हमने सुना है खानदानी दर्जी आया हुआ है। हाँ सही सुना है भाई, सही सुना है। मैं खानदानी है, तुम्हारा क्या काम उससे है? क्या बकवास कर रहे हो? अरे मतलब ये यार के काम क्या है ये बोलो। अरे भाई काम क्या होना है, ईद के कपड़े सिलवाने हैं। कपड़े सिलवाने? पैसे लगते हैं, मुफ्त में नहीं हो रहा। पैसे लग? हाँ तो मना कौन कर रहा है, पैसे देंगे वो भी एडवांस में। हाँ चल निकाल। भाई एक बात सुन लो, कपड़े पहनने मैंने ईद पे। हाँ ईद की नमाज से पहले मिल जाएंगे ना? अरे फिक्र ही ना करें आपकी, कल नमाज जनाजे से पहले मेरा मतलब है कि ईद की नमाज से पहले आपको आपके ईद के कपड़े जरूर मिल जाएंगे। ठीक है मगर एक बात सुन लेना, अगर अगर मेरे साथ धोखा हुआ तो क्या बदवा दे दूंगा। चल बदवा बाद में देना, पहले पैसे दे दे एडवांस। ये तो पकड़ो भाई। अरे दे रहे हैं पैसे। वहाँ मिलेगी वो दुकान पे चने मिलेंगे, वो चने ले लो जाके। चलो अगला आ गया। अरे बड़े वाले कहाँ गए? बड़े वाले हाँ एक मिनट। अबे एक में से 5-5 निकालेगा क्या? ये लो तुम इसके लो मेहंदी के, मैं उसको लूंगा। 10 ही कपड़े चोरी कर लेते ये ना हो मेरे साथ। हाँ जाओ जाओ जाओ, इसी हिसाब से बनाएंगे यार। नहीं भाई आपका काम तो बड़ा मुश्किल है, नहीं हो सकता। भैया प्लीज अब हम किसके पास जाकर अपने कपड़े सिलवाएंगे? भैया अब तो बिल्कुल ही काम नहीं हो सकता आपका। देखिए आप हमारी बात को समझें, आप ही हमारी आखिरी उम्मीद है। अगर आपने हमारे कपड़े सीने से इनकार कर दिया तो फिर हम ईद पर पहनेंगे क्या? तो बुरखा पहनेंगी। बुरखा क्या? क्या भाई ठीक ही तो कह रहा हूँ मैं आपको, इतना मुफीद और कम खर्च मशवरा दे रहा हूँ मैं आपको। हम नहीं जानते, हमारे कपड़े आप ही सियेंगे वो भी आज के आज। देखिए आंटी आप मेरी बात को समझें। आंटी थी? चलो नायला हम ईद पर पुराने कपड़ों से गुजारा कर लेंगे। आपका इतना सा काम तो यूं हो जाएगा चुटकी बजाती, आपकी किस जाहिल की मुंह लग रही थी। तो भाई आप बताएं ना हम क्या करें? क्या बोला भाई? नहीं सिल सकते कपड़े, जाएं आप लोग, नहीं हो सकता आपका। आप इसके भाई होंगे, मेरे तो नहीं है ना, और वैसे भी मैं इतने हैंडसम लड़के को कैसे भाई बना सकती हूँ? तो सोचे हम आपका काम हो जाएगा, मेरे पास एक खानदानी दर्जी वो रातों रात आपके कपड़े सिल शहजादी बना देगा आपको, बिल्कुल शहजादी। और मेरे कपड़े? तुम जाके अपने भैया से अपने कपड़े सिलवा लो, ठीक है? चलो जाओ। अच्छा छोड़े ना, आप मेरे कहने पे इसके भी कपड़े सिलवा दें। भाई देखिए आप इतने प्यार से कह रही हैं तो आपको तो इनकार कर ही नहीं सकता, लेकिन पैसे एडवांस में लूंगा मैं दोनों। ये ले पैसे और ये ले नाप। अरे एडवांस आ गया तो कपड़े भी सिली जाएंगे, नाप शाप भी लेते रहेंगे आप लोगों का। अरे यार अबे लड्डू बहुत पैसे आ गए यार। अरे ससुर जी अभी तो और भी आएंगे। अब नहीं भाई नहीं, एक रात में उस दर्जी के बस की बातें नहीं कपड़े सी लेते। अरे दर्जी वाले नहीं, फिर कौन से वाले? मेहंदी वाले। मेहंदी वाले तो उसको तो देखें दर्जी को क्या सी रहा है क्या कर रहा है। चले चले आए 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 जाओ जाओ। काम कौन करेगा, काम शुरू कर। ओ यार मुझे जाने दो, मुझे बड़ा जरूरी काम है। की लफ्ज याद है तुझे? मुझे जाने दो, मुझे जरूरी काम है। कोई और लफ्ज याद कर ले। अबे ऐसे कैसे जाने दे, इतने सारे ऑर्डर जो पकड़ लिए वो कौन पूरे करेगा? किस काम के? अबे कपड़े सीने के। तो फिर मैं क्या करूँ? तुम कपड़े सीना शुरू करो ना। मैं कब के कह रहा हूँ मैं दर्जी नहीं हूँ, मुझे जाने दो। सुनना तू दर्जी है, ये देखना तू दर्जी है तू। ये देख ये क्या है?
यहाँ क्या जबरदस्ती है, मैं कह रहा हूँ ना मैं दर्दी नहीं हूँ, मेरी जान छोड़ दो। अबे यार ये तो हनी तानी बेगम कोई है? जी फरमाइए। मैं दरअसल मोहल्ले में नहीं आई हूँ, मुझे बताएं आप लोग मेहंदी लगा रहे हैं? हाँ ना हम लगा रहे हैं, मेरा मतलब है कि अभी बस आने वाली है मेहंदी लगाने वाली। क्यों? फिर मैं भी अभी थोड़ी देर में आती हूँ। मैंने अपने शोहर को कपड़े और नाप के साथ दर्जी के पास भेजा था, पता नहीं कहाँ रह गए, अभी तक नहीं आए। दर्जी है ना हमारे पास? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप कौन है? ओ हाँ मेरी बेगम आप, आप यहाँ तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? बेगम जी इन बेचारों को भूलने की शदीद बीमारी है, बगैर दवाई खाए आज घर से बाहर निकल गए दर्जी ढूंढने। बेगम असल में वो ये चले फौरन घर चले। तो ये क्या दर्जी नहीं है? और कब से तो कह रहा हूँ मैं दर्जी नहीं हूँ, मेरी कोई सुनता ही नहीं है। अरे दर्जी नहीं? जी हाँ ये भी दर्जी नहीं है, तुम्हारी तरह घर दमाद ही है ये भी। चले अब घर चले, आइंदा दवाई खाए बगैर आप घर से बाहर निकले तो अच्छा नहीं होगा। उठो ये ले पकड़े इसको लेके जाए नकली दर्जी को। लड्डू और गुलाम ये था तुम लोगों का दर्जी, चलिए फौरन जाइए और एक खानदानी दर्जी लेकर आइए, वरना मैं आप लोगों को इतने कपड़े नहीं पहनने दूंगी, जाइए। तो हमें अपनी ईद जेल में गुजारनी पड़ेगी बता दूं। ठीक से बोलो भैया, ईद सरकारी जेल में गुजारनी पड़ेगी। हमारे दादा परदादा मुगलिया सल्तनत में दर्जी है खास। अरे हाँ ठीक है जिला इलाही। जिले के साथ तहसील भी बता दो, चक नंबर भी बता दो, जाहिल आदमी जिला नहीं होता जिले होता है, जिले इलाही जिले इलाही। हाँ चाचू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, बिल्कुल सच कह रहे हैं 100%। चाचू आप ईद में अपने घर नहीं जाते? भाई घर कैसे जाता, इतने ऑर्डर पकड़े हुए हैं कि बस। आप मुझसे 2 लाख रुपए ले लें और ये सारे नोट मुझे दे दें। अरे क्या गजब कर दिया तानी बेगम, आपको तो मैं इनकार भी नहीं कर सकता। गुस्ताख मैं तुम्हें सलवार कमीज समेत दीवार में चुनवा दूंगा। बहुत अच्छे दीवार में चुनवा दोगे, मैं क्या तुम्हें अनारकली लगता हूँ? मियाँ तो छोटे मियाँ बड़े मियाँ भी है नाशाद, सहमे सहमे रहते हैं करते रहते हैं फरियाद। घर दामाद के घर दामाद।